कोई नहीं बनाता है, मुन्ना भैया थे बढ़िया लस्सी, मथुरा में सबसे बढ़िया इनकी लस्सी है। अभी हमें मथुरा के चौक एरिया में और यहाँ पे बहुत फेमस लस्सी की शॉप है नत्थो यादव लस्सी वाले के नाम से। कितनी फेमस है आपको अंदाजा है, यहाँ पे भीड़ देख के लग रहा होगा। चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। नमस्कार भैया। राधे राधे। राधे राधे। तो भैया कितने टाइम से लस्सी बना रहे हो आप? कितने भैया? 70 साल हो गए हैं। तो गाइस 70 साल पुरानी लस्सी की शॉप है, पहले दही डाली जा रही है। दही भैया आप खुद जमाते हो या मार्केट से लेते हो? अपना खुद जमाते हैं, खुद ही बनाते हैं। दही डालने के बाद अब इसमें डाली जा रही है चीनी। 70 साल पुरानी ये दुकान है और मथुरा में सबसे ज्यादा फेमस लस्सी की शॉप है। आप किसी भी टाइम आ जाइए, आपको यहाँ पे फुल भीड़ मिलेगी। भैया कितने रुपए की लस्सी रहती है अपनी? 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया 50। अच्छा 20 30 40 50। तो दही में चीनी डाल के अभी से फेंटा जा रहा है और मशीन में नहीं बनती है, यहाँ सब हाथ से, सब देसी सोदा आपने यहाँ पे। और भैया मैंने सुना है लस्सी को अभी आप धूप की तरह फेंट देते हो, तो वो चीज भी दिखाइएगा आप। चीनी डाल के दही को बढ़िया तरीके से फेंटा जा रहा है यहाँ पे। भैया अपने पास केवल लस्सी मिलती है, कुछ और भी मिलता है? केवल लस्सी। अब बर्फ लिया जा रहा है, अब डाला जाएगा बर्फ। अच्छा बर्फ का पहले चूरा किया जाएगा, तो कोई काम मशीन से नहीं है यहाँ। ये देखिए बर्फ को कूट दिया है बिल्कुल। लस्सी अपनी फेंटी जा चुकी है, बर्फ का कर दिया भैया ने चूरा और अब बर्फ डाल दिया है इसके अंदर। बर्फ डालने के बाद इसमें गुलाब जल डाला गया है ढेर सारा। अच्छा रुआब जल भी अंदर ही जाएगा? रुआब जल डाल दिया है, गुलाब जल डाल दिया है। ये क्या भैया? इलायची का रवा डाला जा रहा है। तो इसमें इन्होंने लस्सी में दही चीनी और बर्फ डालने के बाद डाला है गुलाब जल, रुआब जल, इलायची का रवा और अब फिर से फेंटा जा रहा है। भैया आप कितने टाइम से बना रहे हो यहाँ पे? 20 साल हो गए। अच्छा 20 साल से आप बना रहे हो, पहले आपके पिताजी करते होंगे। अब लस्सी हो गई अपनी तैयार। अरे वाह, ये भैया का देखिए कुल्हड़ पकड़ने का तरीका। ये भैया कितने वाला ग्लास है? ये 30 रुपए वाला ग्लास है। ऊपर से फिर से रुआवजा, अब इसे फेंटा जाएगा। तो एक बार अंदर रुआवजा डाल के फेंट लिया है, फिर बाहर से रुआवजा डाल के फेंटा जा रहा है। अब इसके ऊपर डाला जा रहा है खोआ, मावा डाल दिया है और मावे के बाद आ गई मलाई। ये 30 रुपए का ग्लास है। इसके ऊपर इलायची का रवा, इसके ऊपर फिर से रुआवजा। तीन बार रुआवजा डाला है भैया ने लस्सी में। तो भैया आप कितने टाइम से लस्सी पी रहे हो यहाँ पे? 15-16 साल से लस्सी पी रहे हैं। 15-16 साल से? तो ऐसा क्या चीज आपको बढ़िया लगती है यहाँ पे? लस्सी बहुत अच्छी है। अच्छा स्वाद पसंद है आपको? बहुत ज्यादा पसंद है इनका स्वाद। तो मथुरा में आपको लगता है इनसे बढ़िया कोई बनाता है? कोई नहीं बनाता। आप कितने टाइम से पी रहे हो? मुझे 18 साल हो गया। 18 साल हो गए? हाँ हाँ। आपकी भैया उम्र ही 18 लग रही है। 24। अच्छा 24 के हो? हाँ। तो मथुरा में आपको इनसे बढ़िया लस्सी लगती है किसी की? सबसे बढ़िया इनकी लस्सी है। जितने भी यहाँ पे कस्टमर है सभी बोल रहे हैं मथुरा में सबसे बढ़िया लस्सी यहाँ पे मिलती है। अब भैया हमारे लिए लगा दीजिए। तो ये ले लिया भैया ने कुल्हड़, और कुल्हड़ पकड़ने का तरीका ये देखिए, उछाल उछाल के कुल्हड़ लिया जा रहा है। अब इसमें बढ़िया तरीके से फिटी हुई लस्सी, और अभी एक बार फेंटी गई है, एक बार रुआवजा अंदर डल चुका है, अब आ गया ऊपर से रुआवजा। इसके ऊपर थोड़ी और लस्सी, नहीं अच्छा फेंटा जा रहा है एक बार और, दोबारा फेंटा जा रहा है लस्सी को रुआवजा डाल के। दो बार रुआवजा डल चुका है इसमें। अब इसके ऊपर डाला है मावा, मावे के ऊपर मलाई, मलाई के ऊपर इलायची का रवा, और इसके ऊपर फिर से रुआवजा। और ये सारा मामला भैया 30 रुपए में केवल। तो गाइस ये 30 रुपए वाला ग्लास है यहाँ पे। आप ग्लास की लंबाई देखिए, मेरे मुंह से भी ऑलमोस्ट लंबा ग्लास है, पतला है लेकिन लंबा है। आप टेस्ट देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। लस्सी जबरदस्त हो रखी है, बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं है लेकिन मावा डाला हुआ है, उसकी वजह से स्वाद और अच्छा आ रहा है। मीठा हल्का है, टेस्ट बढ़िया। 30 रुपए का प्राइस है, 20 रुपए की भी मिलती है। अगर आप मथुरा आ रहे हो, आपको बढ़िया लस्सी पीनी है, आप आइए चौक में। चौक में आइए आप नत्थो यादव लस्सी वाले के पास। आप देख सकते हैं पूरा मथुरा यहीं पे लस्सी पी रहा है, मैं भी यहीं पे लस्सी पी रहा हूँ। आप मथुरा है तो आप भी ट्राई कीजिएगा। मुझे यहाँ की लस्सी अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेस्टर्न फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।